आपने पीआईओ को बुलाया था कि सर वो रॉबरी वाला केसेस में एक चंदू उसके अकाउंट में पैसे जमा हुए थे, आपने ये पूछा था कि वो पैसे कैसे जमा हुआ और इन्हें क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसे, इसलिए आपने उनको बुलाया। शुभान, हमने जितने आरोपी बनाए हैं उनमें मेमोरेंडम में कहीं भी चंदन का जिक्र नहीं हुआ था उस टाइम पर। जब हमने डिटेल्स प्राप्त की किस खाते में पैसे गए हैं, उस खाते की डिटेल्स हमने ली लाइसेंस से SDFC बैंक से, तो ट्रांजेक्शन होना तो उसमें लगा था कि ट्रांजेक्शन हुआ है किसी खाते में, लेकिन उस खाता वो दिल्ली का था, अकाउंट जो दिल्ली का था, सिविल लाइन दिल्ली का खाता था, वहाँ पर किसका खाता था? SDFC बैंक में, चंदन नाम के शख्स का था। चंदन का जी सर। फिर उसके डिटेल्स के लिए हमने दिल्ली जो सिविल लाइन्स में जो शाखा है वहाँ से उसकी डिटेल्स, किस बैंक की ब्रांच? SDFC बैंक, HDFC। हाँ, उसकी डिटेल्स प्राप्त की सर। तो वो चंदन जो है उत्तम नगर हस्तस्थल विकास नगर फेजन का रहने वाला है, और उसकी पूरी डिटेल्स हमने वहाँ से प्राप्त की। और आगे सर इन्वेस्टिगेशन उसके बाद उसमें एक बार फोन पर बात हुई, उसने इससे तो अनभिज्ञता जाहिर की सर कि मेरे खाते में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, खाता जरूर खोलने का बताया कि खाता खुला है, लेकिन ये बताया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि पैसा कब आया कब निकल गया उसमें। तो फिर किसने पैसा विड्रॉ किया? वो पैसा विड्रॉ सर UPI के माध्यम से हुआ। UPI के माध्यम से किसने विड्रॉ किया वो करिए ना सर। उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं सर? हो नहीं पाया अभी इसमें, बाकी आरोपी की तलाश। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्वेस्टिगेट ऑन द पॉइंट सर, ये आपके सामने इतना आ गया है कि वो पैसा ट्रांसफर होके गया HDFC बैंक अकाउंट में। जी सर। और वो अकाउंट है किसी चंदन नामक व्यक्ति का। अब चंदन का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसने किसने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। अब आप उस UPI खाते पर जाइए जी श्रीमान, जिसके थ्रू पैसा निकाला गया जी श्रीमान, वो तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा जी श्रीमान, इसका है UPI, तो वो देखिए आप। हाँ जी श्रीमान। चंदन को भी कॉल किया था, बुलाया था, पर वो बिहार का रहने वाला है। फर्जी खाते भी बहुत खुल रहे हैं इस हिसाब से, बहुत ज्यादा। ये तो क्या अपहरण का केस है? जी सर, ठीक है ना? बिल्कुल सर। 12,31,920 रुपए। अभी आपने चंदन का स्टेटमेंट लिया कि नहीं? चंदन बुलाया था, लेकिन बिहार में रहता है और दिल्ली से वहां से जा गया था। आप उसको भाषा नहीं है, स्लो इन्वेस्टिगेशन नहीं, फास्ट इन्वेस्टिगेशन करिए सर, ठीक है ना? सीमा, ये क्या 12,31,000 अकाउंट से अकाउंट में गया? जी सीमा। अब आप देखिए कि अगर चंदन ने नहीं, किसने पैसा निकाला? UPI का उसका बैंक खाते का आपको पता चल गया होगा ना सर। अब आप देखिए वो किसके नाम, वहां से आपको मैंने क्यूज पता चल जाएंगे। और आपने इसका आइडेंटिफिकेशन करवाया कि नहीं इनसे? ये नहीं हो पाया था, इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा सर, ठीक है ना? जी सर। हाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये आर्गुमेंट देना बहुत इजी है। सो दैट डिले इज नॉट मटेरियल। उसको बुला के दो दिन घुमाया था सर, उसके बाद उसको खिलाया। अच्छा है ना, ये बड़ा एलिगेशन का ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जी, इट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चलो सर, उसको हम ले गए पुलिस स्पॉट पर। हम पहले ये इंश्योरेंस आ रहे थे कि असल में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब क्या होता है, दिस इज अ केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कि आप बड़े तरीके से उसको बुलाया, फिर उसको बंदी बना लिया, फिर उसके खाते से पैसा ट्रांसफर करवाया, ठीक है। FIR इज डिले इज नॉट डिले इज मटेरियल। तो इसमें कब तक हमको बताएंगे? इसमें आप चंदन का बयान लीजिए श्रीमान, और जिसमें UPI खाते में गया, जब वो किसके UPI में किसने विड्रॉ किया होगा सदस्य, ये आप हमको अगले 2 वीक में बताइए सर, ठीक है सर? ठीक है श्री जशव, श्री शहनाज खान लगने का आंसू फॉर आप, ठीक है श्री मनोज जसवाल लगने का लैब फॉर रिस्पॉन्डेंट स्टेट,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्या नाम है आपका? दीपक परमार। सब इंस्पेक्टर दीपक परमार इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री संकल्प कोचर इज एडजस्टेड फॉर टुडे देयरफॉर एज पर द चैप्टर 2 weeks। इन द मीन टाइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज डायरेक्टेड टू investigate on the point as to who had withdrew the money from the HDFC bank account through UPI. UPI के थ्रू निकला है ना? Yes, sir. किसके खाते में गया पता चल जाएगा? Yes, तो पता चल गया। Next.